अच्छा आपको पता है कोई भी दुआ वो नहीं होती है, यूजलेस, पता है आपको? या तो अल्लाह ताला वो चीज़ दे देता है, या कोई और परेशानी आने वाली थी वो चीज़ अल्लाह ताला टाल देता है। अब एक शख्स है मांग रहा है अल्लाह मेरी 500 की नोट कन्वर्ट हो जाए, हाँ, और अल्लाह ताला चाह रहा है कि उसे कोई बहुत बड़ा फायदा मिले, हाँ, अल्लाह जानता है कि एक्सटेंशन मिलने वाला है, पता नहीं हमें, ओके, अल्लाह के इल्म में है वो चीज, हाँ। तो मेरे भाइयों यहां क्या मसला है ना, हम लोग ना टाइम फ्रेम नहीं दे कि अल्लाह अभी दे, ना तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला के पास दुआ में जल्दी नहीं करना चाहिए। ये जब बोलते हैं ना कि अल्लाह मांगा अल्लाह ने दिया नहीं, तो अल्लाह कोई बहुत नापसंद है। तो दुआ करो अच्छे, दुआ के भी आदाब के ताल्लुक से अलग होना चाहिए, हाँ, ताकि ये सब में जो गलत फहमियां है ना वो ना रहे। दुआ के अंदर अल्लाह ताला से जिद से मांगो, यकीन के साथ मांगो, उदुल्लाह वांतुम मुकिनूना बिलइजाबा, अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ कि अल्लाह देगा। और अगर अल्लाह नहीं दे रहा है ना तो भी उस पर शुक्र, क्योंकि वो और अच्छा है तुम्हारे लिए कि नहीं दिया, वो अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। तो अल्लाह से मांगो यकीन के साथ, होता ही है। अब मिसाल के तौर पर कुछ नहीं तो निकियां बन के वो जमा हो जाएगा, हुँ? अब आखिरत में एक शख्स पहुंचा, ये सारी दुआएं तुमने की थी ये यहां मिल रही है तुम्हें, कल वहां काम आ गई उसे, तो वो समझा के नहीं मिला। अगर ये बोले कि नहीं मिला तो वो वहां का भी कैंसिल, अल्लाह के बारे में गलत गुमान करेंगे ना तो फेल ही फेल है, अल्लाह के बारे में गलत सोचना ही नहीं। देखो इसीलिए अल्लाह कौन है ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है ये। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, दुआ।